नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। ईसाई धर्मावलंबी के महान पर्व क्रिसमस आज धूमधाम के साथ मनावल जा रहा। जीसस के मानव समुदाय खातिर देहल योगदान के याद कल जा रहा। क्रिसमस के अवसर में राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री देवबा द्वारा शुभकामना व्यक्त। राष्ट्रीय एकता के मजबूत बनावे में सहयोग पुगे के विश्वास। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन से नवनिर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के पहिका बैठक संपन्न। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के कारण विश्वभर हजारों उड़ान रद्द। उत्तरी स्पेन के कैटालोनिया और भारत के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी। और एशियन सेंट्रल जोन महिला तथा पुरुष चैलेंज कप में आज नेपाली महिला टोली आयोजक बांग्लादेश और पुरुष द्वारा श्रीलंका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा। ईसाई धर्मावलंबी के महान पर्व क्रिसमस आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम करत मनावल जा रहल बा। यीशु ख्रिस्ट द्वारा मानव समुदाय खातिर पुगावल योगदान के याद स्वरूप हर साल दिसंबर 25 तारीख के दिन विश्वव्यापी रूप में क्रिसमस मनावल जाला। इस दिन के ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट अर्थात प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनावल जाला। क्रिसमस के अवसर में काठमांडू के ठमेल, बौद्ध, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा लगायत के स्थान में विशेष रौनक बाटे। क्रिसमस ट्री लगायत के सजावट से बाजार और बड़का व्यापारिक स्थल सजावल गेल बा। उपहार सब आदान प्रदान करके मनावल जाए वाला भैला से उपहार किने वाला के बहुते भीड़ देखल जा रहल बा। पिछला समय ईसाई से मात्रे ना हो के सबे धर्मावलंबी सब द्वारा क्रिसमस डे मनावल जाला। चारों ओर के झिलमिल और चहल पहल देख के अपना से क्रिसमस ना मनेला पर भी इस दिन के विभिन्न ठाव में घूम के मनावल जाला। नेपाल में मनावल जाए वाला पवनी सब में सभी जात धर्म के लोग द्वारा मनावल जाला। क्रिसमस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी स्वदेश तथा विदेश में रहल ईसाई धर्मावलंबी नेपाली दीदी बहिन और दाजू भाई में सुख शांति, सुस्वास्थ्य और दीर्घायु के शुभकामना व्यक्त कैले बानी। त्योहार के माध्यम से विविध सांस्कृतिक पहचान एवं धार्मिक आस्था बोकल समुदाय के बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता और एकता के भावना विवृद्धि होके के साथ ही राष्ट्रीय एकता के थप सुदृढ़ बनावे खातिर सहयोग पुगे के विश्वास राष्ट्रपति भंडारी से दिहल संदेश में उल्लेख कल गेल बा। पवनी के अवसर में प्रधानमंत्री शिर बहादुर देवबा संपूर्ण ईसाई धर्मावलंबी सब में सुख शांति, सुस्वास्थ्य और दीर्घायु के शुभकामना व्यक्त कैले बानी। वहाँ के शुभकामना संदेश मार्फत हमनी के चाड़ पर्व और संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, पारस्परिक सद्भाव और राष्ट्रीय मौलिक संस्कृति के निर्माण खातिर महत्वपूर्ण रहते आयल भी उल्लेख करत क्रिसमस से सभी नेपाली के बीच एक आपस में विश्वास और बंधुत्व के भावना कायम रखेला प्रेरणा प्रदान करो कहवाला शुभकामना दिलवानी। हाँ, नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन से निर्वाचित पदाधिकारी और केन्द्रीय सदस्य के निर्वाचन समिति द्वारा प्रमाण पत्र वितरण कल गेल बा। केन्द्रीय निर्वाचन समिति द्वारा महाधिवेशन के संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूरा करके सनीचर के पार्टी कार्यालय सानिपा में एक कार्यक्रम के बीच प्रमाण पत्र वितरण कल गेल हा। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन से केन्द्रीय कार्य समिति में 13 पदाधिकारी सहित 134 सने निर्वाचित भल बाटे लोग। 167 केन्द्रीय कार्य समिति में बाकी 33 सने सभापति द्वारा मनोनीत करे के विधान की व्यवस्था बाटे। नवनिर्वाचित सबके हुके प्रमाण पत्र वितरण और पदस्थापन लगते नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति के पहिका बैठक भी बैठल रहे। बैठक निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजन खातिर दल दरता ला निर्णय करे के कार्यसूची भी रहे। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन से नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति के बैठक आज बैठल रहे। सवेरे 11 बजे से निर्वाचित पदाधिकारी और सदस्य के निर्वाचित भइल प्रमाण पत्र वितरण कैला लगते केन्द्रीय कार्य समिति बैठल रहे।
अघन 24 से 28 गति तक सम्पन्न महाधिवेशन अंतर्गत भइल निर्वाचन से केन्द्रीय कार्य समिति के 134 नए पदाधिकारी और सदस्य निर्वाचित भइल बाटे लोग। एकर अलावा नया विधान मुताबिक सभापति द्वारा 33 नए मनोनीत करे के भी अभी बाकी बा। बैठक में सभापति देवबा सबके हुके धन्यवाद देवी के साथे स्वागत कैनी और निर्वाचन आयोग में दलदरता खातिर भी निर्णय करे लगात के कार्यसूची पेश कैनी। हाँ, भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। प्रदेश दू में भइल नेपाली कांग्रेस के पहिलका अधिवेशन में पदाधिकारी के मतगणना संपन्न भइल बा। सुके रात भइल पदाधिकारी के मतगणना में सभापति सहित 8 पद में संस्थापन पक्ष के कृष्ण यादव के पैनल विजयी भइल बाटे। शेखर कोइराला बिमनेन्द्र निधि पक्ष के उम्मीदवार के एको पद में जीत हासिल ना हो सकल। मतगणना परिणाम मुताबिक उपसभापति में सभापति कृष्ण यादव पैनल के वीरेंद्र प्रसाद सिंह और चंद्रशेखर यादव जीतल बानी हा। सिंह 1019 और यादव 895 मत सहित जीतल बानी हा। उनकर प्रतिद्वंदी कोइराला निधि पक्ष के धनलाल ठोकर के 636 और विनोद कुमार खनाल के 740 मत ही प्राप्त भइल हा। वही लेखा उपसभापति के दोसर उम्मीदवार राधा प्रसाद यादव के 124 मत ही प्राप्त भइल। वही लेखा उपेंद्र कुमार यादव और बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ जीतल बानी। निर्वाचन समिति के मुताबिक उपेंद्र के 959 और बृहस्पति के 788 मत प्राप्त होके महामंत्री में जीतल बानी हा। वही लेखा सह महामंत्री खुला तरफ दुगो सीट खातिर भइल मतदान में जय नारायण प्रसाद यादव और परशुराम चौधरी जीतल बानी। सह महामंत्री महिला तरफ बिंदु कुमार यादव जीतल बानी हा। महामंत्री में 13 मतांतर से हारल कोइराला निधि पक्ष के नरेश यादव फेरू मतगणना करे के मांग करत निर्वाचन समिति में उजूरी दिले बानी। निर्वाचन समिति द्वारा यादव के पहले जीतल घोषणा कल गेल रहे। बाद में उनकर स्थान में बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित भइल घोषणा कला बाद वहां के उजूरी दिले बानी हा। हुमला जिला में काल्हू रात से हिमपात हो रहा बा। हिमपात के चलते अत्यधिक ठंडी बढ़ला बाद जनजीवन कष्टकर हो गल बा। हाल पश्चिम वायु के आंशिक प्रभाव बाटे देश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालय क्षेत्र में हिमपात के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। देश भर ठंडी बढ़े के क्रम में रहल कारण ठंडी से बचे खातिर जरूरी सुरक्षा और सतर्कता अपनावेला मौसमविद सबसे आग्रह कल गेल बा। स्थानीय बासिंदा हिमपात के चलते बाली नाली सुधरे वाला भला बाद खुशी भइल बाड़न सन। चितवन राष्ट्रीय निकुंज और सिमसार क्षेत्र में चिरई गणना के तैयारी कल गेल वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी के पूर्वाध्यक्ष बासु बिरारी जानकारी देनी। चिरई के बास स्थान रहल चितवन राष्ट्रीय निकुंज राप्ती नदी 20,000 ताल बाटुली पोखरी लगायत के चितवन के विभिन्न जगह में जनवरी 1 से 16 तारीख तक चिरई गणे के तैयारी भेल पूर्वाध्यक्ष बिरारी जानकारी देनी। चिरई के गतिविधि वृद्धि भेला से इस साल संख्या बढ़े के और नया चिरई भी भेटाए सके के वहां के जानकारी देनी। ठंडी छले खातिर साइबेरिया से चिरई सब आ रहल बा और जलवायु परिवर्तन के असर से चुनौती बढ़ गेल बाटे। पिछला साल चितवन में पानी में आश्रित मात्र 53 प्रजाति के चिरई भेटायल रहे। नेपाल में 887 प्रजाति के चिरई मिलल मध्य जल चिरई के 200 से बेसी प्रजाति बाड़न सन। 635 प्रजाति के चिरई चितवन में मिलेला। नवलपुर के सिरखौली से अमलटारी और अमलटारी से त्रिवेणी गंडक नहर तक चिरई गणना करे के और ओकर नेतृत्व चिरईविद डीबी चौधरी से करे के बर्ड एजुकेशन सोसाइटी जनौले बाटे। चिरई गणना में कैमरा बाइनाकुलर और टेलीस्कोप के प्रयोग होखेला। अब आर्थिक समाचार। नेपाल में दिनहुँ करीब 6 करोड़ रुपया बराबर के तरकारी आ रहल भन्सार विभाग सार्वजनिक कैल पहिलका 5 महीना के तथ्यांक में उल्लेख बाटे। आर्थिक वर्ष 2078-79 के साउन से लेके अघन तक में 8,59 करोड़ रुपया बराबर के तरकारी आयात भइल बा। ये अवधि में नेपाल में सबसे बेसी अलुई के आयात भइल बा। त अलुई खरीद में मात्र नेपाल से 5,27 करोड़ रुपया
बाहरगेल विभाग के तथ्यांक में उल्लेख बाटे। उल्लेखा ओ अवधि में 2 अरब 47 करोड़ के प्याज, 18 करोड़ 66 लाख के टमाटर, 37 करोड़ 41 लाख के हरियर लहसुन, 7 करोड़ 17 लाख के च्याउ भी ई अवधि में नेपाल आई बाटे। भन्सार विभाग के मुताबिक 1 करोड़ 4 लाख के कोहड़ा, 41 लाख रुपया के गाजर, 4 करोड़ के कैप्सिकम और 1 करोड़ रुपया बराबर के हरियर साग नेपाल आई बाटे। उहिलेखा 3 करोड़ 37 लाख के हरियर तरकारी में दलहन सब भी नेपाल आयल बा। चालू आर्थिक वर्ष के कार्तिक अंतिम तक नेपाल 6 अरब 89 करोड़ के तरकारी आयात कैले रहे। नेपाल में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नेपाल में हरियर तरकारी और ओकर दलहन सब आयल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के चलते क्रिसमस के बेरिया विश्वभर लाखों लोग के यात्रा अवरोध के सामना करे के पड़ रहा बा। कोविड प्रतिबंध सब बढ़ते गयल ओमिक्रोन संस्करण से सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावला बाद बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सब रद्द भइल बाटे। विश्वभर हजारों उड़ान सब रद्द कैल गेल समाचार फ्लाइट अवेयर वेबसाइट जनौले बा। इटली, स्पेन और ग्रीस द्वारा फिर घर के बाहर निकलेला मास्क अनिवार्य बनावल गेल बा। उत्तरी स्पेन के कैटलोनिया और भारत के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी कैल गेल बा। नीदरलैंड्स में भी कड़ा प्रतिबंधात्मक व्यवस्था जारी कैल गेल बाटे। आप खेलकूद समाचार। एशियन सेंट्रल जोन महिला तथा पुरुष चैलेंज कप में आज नेपाली महिला टोली द्वारा आयोजक बांग्लादेश तथा पुरुष द्वारा श्रीलंका के साथ भिड़ंत कैल जा रहा बा। बांग्लादेश के ढाका स्थित शहीद सुरावर्दी कवर्ड हल में प्रतियोगिता के 3rd दिन के पहिलका खेल में महिला तरफ नेपाल और बांग्लादेश आमने सामने भइल बा। प्रतियोगिता में लगातार जीत निकालल महिला टोली घरेलू टोली के विरुद्ध सहज जीत निकाले के लक्ष्य में बाटे। प्रतियोगिता में आपन तीसर का खेल खेले लागल पुरुष टोली द्वारा 1 जीत और 1 हार हासिल कैल गेल बा। खेल आज संजिया 5:45 बजे शुरू होगी। प्रतियोगिता में महिला तरफ साबिक विजेता नेपाल सहित आयोजक बांग्लादेश, श्रीलंका, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और मालदीव्स तथा पुरुष तरफ आयोजक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और उज्बेकिस्तान के सहभागिता बाटे। राउंड रोबिन पद्धति के आधार में जारी खेल के शीर्ष 2 टोली द्वारा उपाधि खातिर प्रतिस्पर्धा हो रहल बा। फाइनल खेल अगिला मंगर के होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। ईसाई धर्मावलंबी सबके महान पवनी क्रिसमस आज धूमधाम के साथ मनावल जा रहा। जीसस से मानव समुदाय खातिर देल योगदान की याद दिल जा रहा। क्रिसमस के अवसर में राष्ट्रपति भंडारी तथा प्रधानमंत्री दिवबा द्वारा शुभकामना व्यक्त। राष्ट्रीय एकता के थप मजबूत बनावे में सहयोग होगी के विश्वास। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन से नवनिर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के पहिलका बैठक संपन्न। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के कारण विश्वभर हजारों उड़ान रद्द। उत्तरी स्पेन की कैटलोनिया और भारत के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी। और एशियन सेंट्रल जोन महिला तथा पुरुष चैलेंज कप में आज नेपाली महिला टोली आयोजक बांग्लादेश तथा पुरुष द्वारा श्रीलंका के साथ प्रतिस्पर्धा हो रहा। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।